हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्विका। फ्रेंड्स, अगर आपने भी मेरी तरह अभी तक ये मॉसरोस या पोचलका का कटिंग्स अभी तक नहीं लगाए हैं तो अभी से ही आप ये सारे कटिंग्स लगा सकते हैं। और ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स है और मैं तो बाकी सारे पौधों की रिपोर्टिंग में बिजी थी, इसीलिए मैं ये सारे मॉसरोस के कटिंग्स लगाना ही मुझे टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैं आज शाम को स्कूल से आते ही ये कटिंग्स लगाना था मुझे। मैं इसीलिए जल्दी से टेरेस गार्डन पे आ गई हूँ और ये सारे काम अभी आज ही ख़त्म कर दूँगी मैं। और ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे ही बेल की तरह छोड़ेंगे तो इसमें फूल तो आएगा, लेकिन बड़े साइज़ में फूल नहीं आएगा, छोटे छोटे फूल आएगा, लंबी बेल की तरह तो जाएगा ही। और ये देखिए, ये थर्मोकोल बॉक्स में लगाया था, दो थर्मोकोल बॉक्स थे, एक खाली कर दिया है और एक और है। और इसमें मैंने पिछले साल लगाया था इसमें, और ये देखिए पूरे लंबे लंबे बेल की तरह गया था और उसमें से मैंने सारे पौधे निकाल दिया है। और ये देखिए, ये हम इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए मुझे जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसे ही छोटे छोटे बॉक्स में ही लगा दूँगी। और ये देखिए, ये सोन पापड़ी का बॉक्स है, ये मैंने पिछली बार इसमें लगाया था। और ये देखिए, इसमें भी ये बॉक्स भी टूट गया है। और बहुत सारे मैंने फेनल के कैन में भी लगाया था, वो सारे फेनल के कैन ख़राब हो गए, ये बॉक्स सारे बॉक्स भी ख़राब हो गए। ये थर्मोकोल बॉक्स में ही लगाऊँगी। और कुछ मैंने बिसलेरी बॉटल्स भी रेडी करके रखा है। और ये देखिए, बहुत सारे हो जाएगा और मुझे और भी ज़्यादा पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, ये पोचलका का कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगा दिया था। ये देखिए, ये मैंने अभी मैं सुबह ही वीडियो बनाने के लिए मैं सुबह आ गई हूँ फिर से। और ये देखिए, ये मैंने कल शाम को ही ये सारे पोचलका का कटिंग से इसमें लगा दिया था। ये देखिए, ये सारे बिसलेरी बॉटल्स थे, मैंने दो हिस्से कट करके इसमें लगा दिया है। ये पोचलका का कटिंग्स मैंने, ये भी मैंने कल शाम ही ख़त्म कर दिया है। कल शाम बहुत अंधेरा हो गया था, देर हो गया था, और उसी में मैंने ये सारे कटिंग्स इसमें लगा दिया है। और मैं अभी सुबह ही वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ। और ये देखिए, ये सारे थर्मोकोल बॉक्स में लगाया है और कुछ बिसलेरी बॉटल्स भी मैंने दो हिस्से कट करके उसमें लगा दिया है। और पुराने सारे बॉक्सेस टूट गया था, वो सारे मैंने फेंक दिया है। और यहाँ पे मैंने ये सारे कटिंग्स इसमें लगा दिया है। और भी बहुत सारे कटिंग्स है यहाँ पे, देखिए, और कुछ कटिंग्स मैंने यहीं छोड़ दिया, अंधेरे में नहीं दिखाई दिया मुझे। ये देखिए, बहुत सारे पोचलका का कटिंग्स मैंने यहीं छोड़ दिया है। और कुछ वेस्ट मटेरियल में ये सारे कटिंग्स भी लगा दूंगी मैं। और ये देखिए, तो अगर आपने भी ये सारे काम मेरी तरह ऐसे ही ख़त्म नहीं किया है तो जल्दी से ये सारे काम ख़त्म कर दीजिए। अभी तो गर्मी शुरू हो रही है और ये सारे समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।